हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 12 मई 2022 है और 12 मई 2022 के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। जी हाँ, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा बयान जारी किया है। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र जी को जो उन्होंने तलब किया है और उत्तर प्रदेश में सभी भर्ती बोर्ड आयोगों के माध्यम से हो रही भर्तियों को लेकर के उनको तलब किया है। कौन सी भर्ती किस स्थिति में पहुंची है, कौन सा भर्ती आयोग किस स्तर पर काम कर रहा है, इन सभी चीज़ों को तलब किया गया है। जी हाँ, आगामी आने वाले 100 दिनों को लक्ष्य को टारगेट रखते हुए आयोग और सरकारें काम कर रही हैं इसी की दिशा में, ऐसा कुछ जो है निर्देश जारी किया गया है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। क्या कुछ बयान है, हम सभी लोग देखेंगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई प्रत्येक को महत्वपूर्ण खबर, चाहे वो UPSC से हो, UP SSSC से हो, UPPCL से हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पूर्णोत्तर बोर्ड से हो या फिर RRB NTPC से हो, सबसे पहले आप तक खबर राहुल वाईफाई इस चैनल के माध्यम से पहुँचाई जा सके। तो चलिए देख लेते हैं सीधे हम लोग खबर यहाँ से। ये एक महत्वपूर्ण बयान आज जारी हुआ, आप देख लेते हैं कि सरकारी नौकरियों में चयन का 100 दिन का पूरा करे लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सभी आयोगों के लक्ष्य के अनुरूप भर्ती रिपोर्ट तलब की। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने में योगी सरकार जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य सचिव से सभी आयोगों के 100 दिन में लक्ष्य के अनुरूप भर्ती रिपोर्ट तलब की है। साथ ही लंबे समय से एक ही जगह पर जमे कार्मिकों को दूसरी जगह तैनात करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में उच्च स्तरीय जी हाई लेवल मीटिंग में कहा कि पिछले दिनों उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पूर्णोत्तर बोर्ड सहित अन्य चयन आयोग की समीक्षा बैठक में लक्ष्य के अनुरूप चयन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया था। सरकार चाहती है कि विभागीय रिक्तियां जल्द भरी जाएं और कहा कि समयबद्ध चयन प्रक्रिया के लिए समय से आयोगों को प्रस्ताव भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाए। साथ ही दोहराया कि सरकारी नौकरियों में किसी तरह का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभागों के सीधी भर्ती के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से इंडक्शन ट्रेनिंग व्यवस्था लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर प्रशासनिक विभाग इंडक्शन ट्रेनिंग मॉड्यूल व वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करे। समूह का व खा के अधिकारियों के लिए इन सर्विस प्रशिक्षण व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू की जाए। इसके लिए प्रदेश प्रशासन व प्रबंधन अकादमी को वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त निर्देश जारी किया है और 36,000 से अधिक भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चयन वर्ष की सीधी भर्ती के लिए सभी विभागों द्वारा प्रस्ताव 31 मई से पहले भेज दिए जाएं। कब तक? 31 मई तक के लिए भेज दिया जाए ताकि 36,000 से अधिक पदों का लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया चरणवार 100 दिन में और 6 माह में शुरू कर सकें। सीएम ने निर्देश दिए कि 100 दिनों में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन, भारत सरकार की रोटेशन नीति के अनुसार प्रदेश में कर्मियों के पटल परिवर्तन की प्रभावी व्यवस्था लागू किया जाए और ज्येष्ठता के आधारित विभागीय प्रोन्नति में भी एकरूपता के लिए उपयुक्तता का मानक निर्धारित किया जाए। तो आप देख सकते हैं 36,000 से अधिक भर्तियाँ UPPSC और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC को जो है आगामी आने वाले 31 मई तक प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी है कि 31 मई तक जहां भी जितनी भी रिक्तियां हैं और इन आयोगों के माध्यम से भर्तियां होती हैं जल्द से जल्द वो ऑनलाइन माध्यम से सब कुछ पोर्टल तैयार किया जाए जिससे कि जल्द से जल्द उनके पास अधियाचन भेजा जाए, आयोग के पास आयोग अधियाचन की जाँच करके जल्द से जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करे। तो अब खबरें ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चाहे वो पारदर्शिता की बात अगर किया जाए तो उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती को लेकर के किस प्रकार से तहे खुल रही हैं आप सभी लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और इसी प्रकार से ताकि आप लोग जानते हैं लेखपाल भर्ती को लेकर के बात कही जा रही है कि कटाफ को लेकर के लगातार अभ्यर्थी आयोगों पर अभी डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री के आवास पर उन्होंने गया अभ्यर्थी गए हुए थे, बातचीत किए। अब क्या कुछ वहाँ का डिसीजन होगा, जैसा कि मुझे तो नहीं लगता कि आयोग ने जिस प्रकार से बता दिया था कि हम लोग कटाव को लेकर के सोचेंगे, विचार करेंगे, तो अभ्यर्थियों ने लगता है कि कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने की पूरी कोशिश कर लिया है कि लेखपाल की भर्ती को कटाव कम किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सख्त निर्देश जारी किया गया है कि भर्ती में पूरी पारदर्शिता बची जाए, पूरी एक
भ्रष्टाचार मुक्त रहे, कोई भी भर्ती में किसी प्रकार का कोई भी जो है गलत तरीके का आरोप ना लगे, लेकिन जिस प्रकार से धोखा भर्ती की तह खुल रही है निश्चित तौर पर इस पर अधिकारियों के और जो भर्ती आयोग हैं भर्ती बोर्ड हैं उन पर एक बहुत बड़ा लांछन लग रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो UPSSC से संबंध में थी, UPSC के संबंध में थी, UPP के संबंध में थी और अन्य उत्तर प्रदेश से भर्ती बोर्डों और आयोगों के संबंध में थी। आई होप खबरें आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेटिव महसूस हो रही होंगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो में अपने कमेंट को जरिए अपने विचार साझा करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।